नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष फुटवाला, कार्यकारी संपादक उत्तराखंड केसरी न्यूज, और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज केसरी समाचार चैनल। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया शहरों में प्रवास कर रहे मतदाताओं से मुलाकात। केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत ने भाजपा को मिलेगा प्रवासी समूह, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। भाजपा ने कहा कि केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत ने प्रवासी समूह अहम भूमिका निभाने जा रहा है और भाजपा के एक विकास कार्यों के बदौलत जन आशीर्वाद मिलना तय है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के बाद आज लुधियाना पहुंचे और केदार घाटी के विकास एवं समृद्धि के लिए अपने गांव पहुंच रिकॉर्ड मतदान का आह्वान किया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा से प्रत्याशी आशा नौटियाल का भ्रमण कार्य प्रतिदिन चल रहा है। केदारनाथ से लाखों की संख्या में स्थानीय निवासी रोजगार की दृष्टि से देहरादून, दिल्ली, लुधियाना, लखनऊ एवं अन्य शहरों में प्रवास कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उन मतदाताओं की भी है जिन्हें भाजपा चाहती है कि वे भी उपचुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करें। कार्यक्रम में भट्ट ने केदार प्रवासियों से आग्रह किया कि उनके क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक एवं शानदार विकास एवं जन कल्याण कार्यों की प्रशंसा से काम नहीं चलने वाला है। इससे पूर्व पंजाब के लुधियाना शहर पहुंचने पर उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का जोश और उल्लास के साथ किया स्वागत। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो देश के उन राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बड़ी संख्या में समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं, और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत उनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है, और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, जो जिनका क्षेत्र केदारनाथ होता है, वो सब लोग मतदान के लिए अपने गांव पहुँचेंगे।